ओम शांति। अज 20/12/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे तुहानू खुशी होनी चाहीदी है कि असी हुण ये दुनिया ये सब कुछ छड अपने घर शांति धाम जावांगे, फिर सुख धाम विच आवांगे। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछा, इस नाजुक राह ते निरंतर अगे वधण दे लई केड़ी खबरदारी जरूर रखनी है? अज बाबा दा उत्तर है, कदे भी कोई व्यर्थ जा शैतानी गल्लां सुनाए ता उस दा मृत नहीं कर बनो, हाँ जी करके गलानी दियां गल्लां सुनना माना बाप दा ना फरमान बरदार बनना, इसलिए रहम दिल बन उस दी आदत नू मिटाना है। बाप दा फरमान बरदार बनना है, ज्ञान दा सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रस्ता है, इस विच खबरदार होके चलना नाल ही अगे बदे रहोगे। गीत है, इस पाप दी दुनिया तो कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मिठे बच्चे हुण तुसी समझदार बने हो अते फील करदे है कि पहले असी किन्ने बेसमझ सी, ए भी समझ विच नहीं आउंदा सी कि ए पातित दुनिया है अते इसे भारत विच जदों देवी देवता दा राज सी ता पावन सुखी सी, उस विच किसे दुख दी गल नहीं सी, परंतु ए भी निश्चय नहीं हुंदा सी कि स्वर्ग विच सदा सुख होवेगा। स्वर्ग दा किसे नू पता नहीं सी, मनुख ता समझदे है उत्थे भी दुख है, ए है बेसमझी। हुण तुसी बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आके समझाया है, उन्हां दी श्रीमत ते तुसी चल रहे है। मनुख कहंदे भी है कि ए पातित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया सी, पावन दुनिया विच भी दुख होवे फिर ता दुख दी ही दुनिया हुई, फिर गीत भी रोंग हो जांदे है। कहंदे है, हे बाबा अजिही जगह ले चलो जिथे आराम सुख चैन होवे। बच्चे ए भी जानदे है स्वर्ग सोने दी चिड़िया सी, देवी देवता सी, कहंदे भी है असी एक दूजे नूं दुख नहीं दिंदे सी, परंतु फिर कह दिंदे ए दुख सुख सब परंपरा तो चलिया आंदा है। कृष्ण ते भी झूठे कलंक लगा दिते है। कहा जाता है जिवें पातितां दी दृष्टि वैशी सृष्टि समझदे है, सारी सृष्टि पातित ही है। इस समय उन्हां दी दृष्टि ही पातित है ता सारी सृष्टि नूं ही पातित समझदे है। कह दिंदे है परंपरा तो ए पातित पना चलिया आउंदा है। बाबा आखदे ने हुण तुसी बच्चियां नूं ए समझ आउंदी जांदी है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चियां नूं परम पिता परमात्मा दे डायरेक्शन मिलदे है। आत्मावां नूं बाप बैठ समझांदे है, सब आत्मावां पातित है, इस लई पातित आत्मा नूं पाप आत्मा कहा जांदा है। बाप आत्मावां नाल गल करदे है, तुसी साडे अविनाशी बच्चे है। फिर मम्मा बाबा भी कहंदे है, इस दुनिया विच किसे नूं भी पिता श्री नहीं कह सकदे, श्री माना श्रेष्ठ, परंतु इत्थे एक भी मनुख श्रेष्ठ है नहीं, ए ता एक दी ही महिमा हो सकदी है। भावे तुसी इन्हां नूं इस समय कहंदे है क्योंकि संन्यास कीता होया है श्रेष्ठ बनण दे लई, तुसी जानदे है असी हुण फरिश्ता बन आए हाँ, लेकिन चलदे चलदे श्रेष्ठ बनदे बनदे झट माया रावण थप्पड़ लगा के भ्रष्ट बना दिंदी है। भ्रष्ट नूं श्री कह नहीं सकदे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहंदे है। मंदिरां विच जाके उन्हां दी महिमा गाउंदे है, अपने नूं श्रेष्ठ कह नहीं सकदे। हुण तुसी बच्चियां ने समझाया है भारत श्रेष्ठ सी, उत्थे मूत पलीती नहीं सी, शुद्ध श्रेष्ठ है, बाप दी महिमा है ना। मूत पलीती कपड़िया नूं धो के कंचन कर देंदे है,
इस समय ता सारे पातित है, बरोबर है ही रावण राज, मनुख रावण नू बरे बरे सड़दे है, परंतु सड़दा ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। ए भी मनुखा नू समझ विच नहीं आंदा, जदो कि साड़ देता है फिर हर बरे नमा किवें बनांदे है। इस तो सिद्ध हुंदा है रावण राज गया नहीं है। स्वर्ग विच जदो राम राज हुंदा है ता उत्थे रावण दी एफ जी निकालणगे नहीं। कहंदे है रावण नू साड़िया फिर लंका नू लुटिया। रावण दी लंका सोनी दसदे है, परंतु अजिहा है नहीं। ए ता सारी दुनिया लंका है, ए आईलैंड है ना, सारे वर्ल्ड दे रावण दा राज है। ए भी तुसी बच्चे समझदे है, कॉलेज विच कोई बेसमझ जाके बैठे ता की समझ सकणगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करनगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इस विच नवा आदमी कोई समझ नहीं सकणगे। इसलिए सत रोज कन्वर्ट विच भट्ठी विच बिठाया पेवे, जदों तक लाइक बन, फिर भी चंगा आदमी रिलीजंस माइडेट है ता उसनू पुछना है परम पिता परमात्मा थोड़ा की लगदा है। वो है आत्मावां दा पिता अते प्रजा पिता भी ते बाप है। ए पॉइंट बड़ी चंगी है, परंतु बच्चे इस दे इना खुश नहीं हुंदे है। बाप कहंदे है तुहानू नए नए पॉइंट सुणांदा हाँ, जिस नाल तुहानू नशा चढ़े। किसी नू समझाण दी जुक्ती आवे तुसी ई फार्म भर के पुछ सकते हैं कि परम पिता परमात्मा ना थोड़ा की संबंध है। कहणगे परम पिता तो पिता होया ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुसी जदों प्रश्न पुछो तो कहणगे वो तो बाप है, असी सब बच्चे हाँ, इतना मन लैण तो लिखवा लेना चाहिदा है। प्रजा पिता दे ही बच्चे ठहरे, ओ शिव हो गया दादा अते ओ बाबा। शिव बाबा स्वर्ग दी स्थापना करन वाला है ता जरूर उना तो ही वरसा मिलेगा। बहुत सहज तो सहज गल्लां कढ़णियां पैंदियां है, मृत संबंधियां आदि को जावो, उना नू भी ए समझाओ ए ता नशा है ना। असी बाप दादा तो वरसा पाउंदे हां, माता तो वरसा नहीं मिलेगा, बाप नू ही स्वर्ग दी स्थापना करनी है ना, उही मालिक है। जिवें इना नू दादे ते वरसे दा हक है, उवें पोतरे पोतरियां नू भी हक है। बाप कहंदे है मैनू याद करो, इवें नहीं कहंदे कि इस देहधारी नू भी याद करो। बाप सनमुख गल कर रहे है, कल्प पहले भी इवें समझाया सी, परंतु बच्चियां नू देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियां नाल लव हो जाता है। बाप कहंदे है हे आत्माओं, तुसी तां अशरीरी आई सी, फिर पाट बजांदियां, हुण 84 जन्म पूरे कीते है। हुण मैं कहंदा हाँ तुहानू वापस चलना है, ममे कम याद करो ता विक्रम विनाश होणगे। देहधारियां नू याद करन नाल विक्रम विनाश नहीं होणगे। तुसी वायदा करदे है बाबा असी तुहानू ही याद करांगे, तुहानू पुरानी दुनिया विच हुण रहना ही नहीं है, इस दे लई कोई चैन नहीं। इस लई कहंदे है अजिही जगह ले चलो जिथे सुख चैन होवे। तुसी बच्चे जानते है असी पहला जावांगे शांति धाम विच, उत्थे सुख दा नाम नहीं लवांगे, शांति ही शांति होवेगी। फिर जावांगे सुख धाम विच, उत्थे फिर शांति दा नाम नहीं होवेगा। जदों दुख है ता अशांति है, सुख विच ता शांति है ही, परंतु वो शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्मावां दा स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्यांत नूं जानण वाले है। हुण तुसी बच्चियां दा धंधा ही है पढ़ना अते पढ़ाना, अते फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुसी जानते है असी इस मृत्यु लोग दे अमर लोक चले जावांगे वाया शांति धाम।
ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਹੱਦ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਰਵਿਆਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਧਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਾਸੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਲੋਕ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਧਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਗਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਤਨ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਬਾਪ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਧਾਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ। ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੂਲ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਅੰਨਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਅਲਫ ਅਤੇ ਬੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸੂਰੀ ਮਤ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਲਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਯ
आए भी भारत विच है, समझा भी रहे है, बच्चों हर एक गल चंगी तरह समझनी है। किसी की तकदीर विच नहीं है तो फिर वो ही आसूरी धंधा करते रहेंगे, इत्थे दी बाहर गए तो इन्हां गल्लां नूं भुल जाणगे, निंदा करदे करदे ये हाल हो गया है। हुण ये निंदा करन आते छड़ दो, तुहाडा नाम ते लिखिया होया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझ जाणगे, शिव दे पोतरे पोतरियां ठहरे, जरूर स्वर्ग दा वरसा मिलदा होवेगा। भारत नूं वरसा सी हुण नहीं है, फिर हुण मिलदा है। सतयुग विच सिर्फ सूरजवंशी ही है, हुण तुसी बाप नूं याद करो तां विक्रम विनाश होणगे अते उत्थे पहुँच जाओगे। किन्ना चंगी तरह समझांदे है, तुसी बच्चियां नूं भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी ब्रिति भी चंगी चाहीदी है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के जोगी राजरिशी होणगे तां दूजियां नूं तीर लगेगा। खुद विच ही कोई कमी होवेगी तां दूजे नूं बोल नहीं सकणगे, लज्जा आंदी रहेगी, अपना पाप अंदर खांदा रहेगा। हर गल दे लई बाबा समझांदे बहुत वधिया है। कल्प पहले भी इवें ही समझाया सी, देवी देवता धर्म तां जरूर स्थापन होवेगा, कोई पढ़े ना पढ़े फिर भी बाप कहिंदे है कुछ समझदार बनो, इस कमाई अते उस कमाई नूं बुद्धि विच रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराउंदे है, बाप अते स्वर्ग नूं याद करना ये तां ना भुलो, सिमरन करदे करदे अंत मती सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप दी याद विच बैठो, जेकर सुस्ती आउंदी है तां समझा जांदा है तकदीर विच नहीं है। अजिही प्रैक्टिस करनी है जो अंत विच दे भी याद ना पे, असी आत्मा हाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते, रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग अते नमस्ते जी। धारना लई मुख्य सार नंबर एक पर अपनी ब्रिति नूं शुद्ध रख, दुश्मन नूं भी मृत बनाना है, अपकारी ते भी उपकार कर, बाप दा सच्चा परिचय देना है। नंबर दूजा, जो रतन बाबा दे मूँह तो निकलते है ओ ही रतन निकालने है, कोई भी व्यर्थ गल्लां ना सुननिया है ना सुनानिया है। वरदान है अज दा संगम युग ते समय दा महत्व जान, परमात्म दवावां नाल झोली भरन वाले माया जीत भव। संगम युग दे समय दा महत्व जान, परमात्म दवावां नाल झोली भरन वाले माया जीत भव। आज बाप दादा आखदे ने संगम युग दा एक सैकंड होर युगां ते एक वरे तो भी ज़्यादा है। इस समय एक सैकंड भी गवाया तो सैकंड नहीं पर बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सैकंड परमात्म दुआवां परमात्म प्राप्त करते रहेंगे अते इस दी झोली परमात्म दुआवां नाल सदा भरपूर है। उस दे कोल कदे माया आ नहीं सकती, दूर तो ही भज जाएगी। तो समय नूं बचाओ, यही तीवर पुरुषार्थ है। तीवर पुरुषार्थी मतलब सदा माया जीत। स्लोगन है जदा, जो आज्ञाकारी है ओ ही बाप दी अते परिवार दियां दुआवां दे पात्र है। जो आज्ञाकारी है ओ ही बाप दी अते परिवार